नमस्कार, स्वागत है आपका N27 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार 6 अक्टूबर को आंशिक रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 5 डिफेक्ट हैं, जिसके कारण अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं उसे भी दूर करने का आदेश दिया। बता दें कि यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के समन और उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। याचिका में पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गई। कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे। आपको बता दें कि बीते बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 5वां समन भेजा था, लेकिन वो इस बार भी उपस्थित नहीं हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से इसे पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि उन्हें केंद्र के इशारों पर ईडी परेशान कर रही है। पूर्व में उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग किया था और ईडी कार्यालय भी गई थी। उन्होंने ईडी को अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा भी सौंपा था। इसके बावजूद ईडी उन्हें दूसरे मामलों में समन कर परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में निर्देश दिया गया कि वे हाईकोर्ट जाएं और अपनी बात रखें। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से 5वें समन के विरुद्ध अपना जवाब ईडी कार्यालय को भिजवाया था। उन्होंने ईडी से कहा था कि जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक ईडी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब तक 13 आरोपी को जेल भेज चुकी है। इनमें रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, प्रदीप बागची, अफसर अली उर्फ अफसू खान, सदाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल, भारत प्रसाद और राजेश राय शामिल हैं। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन और उसके अधिकार को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर यानी आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इससे पहले ईडी ने 5वां समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को रांची कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था, पर उनकी ओर से ईडी कार्यालय को बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, याचिका के निष्पादन तक ईडी कोई कार्रवाई ना करे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।